हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। एज यू नो अवर 12th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल इज रनिंग। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दिया है, तो अब हम उसके बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारी उसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 65 डिग्री, 55 डिग्री एंड 130 डिग्री। फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इसमें हम मेजर कर लेते हैं, जो मेजरमेंट गिवन है एंगल्स की वो लिख लेते हैं। मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या है, 65 डिग्री। इसी तरह से मेजर ऑफ सेकेंड एंगल इज 55 डिग्री। मेजर ऑफ थर्ड एंगल विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। लेट मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसा कि हमें पता है फोर एंगल, जो फोर एंगल्स होते हैं इंटीरियर, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। इसको आप एंगल 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हो या ए बी सी डी भी लिख सकते हो। तो देखो एंगल फर्स्ट जो है हमारा ए वो है 65 डिग्री, बी या सेकेंड एंगल है 55 डिग्री, एंगल थर्ड है 130 डिग्री और एंगल फोर्थ जो है डी उसको हमने लेट किया है x। तो ये किसके इक्वल है, इन चारों का सम 360 के। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये देखो 65 में जब हम 55 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 120, 120 में 130 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, 360 माइनस में 250 किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए 110 के। तो ये x की वैल्यू है ये 110 है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 10 मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो, इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी क्या स्टेटमेंट है। द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 125 डिग्री। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स की हमने बात की थी। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, आप सबको पता भी है कि जो एंगल्स किसी भी वन साइड कॉमन साइड के ऊपर ड्रॉ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। जैसा कि लेट कर लो हम एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए एंड बी बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, या फिर एंगल बी और सी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, सी डी भी एडजेसेंट एंगल है या फिर ए डी एडजेसेंट एंगल है। इनमें से आप कोई भी टू एंगल्स को लेट कर सकते हो 75 डिग्री एंड 125। तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल ए जो है वो 75 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 125 डिग्री है। अब रहते हैं टू एंगल्स सी एंड डी, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों एंगल्स जो है वो मेजरमेंट में क्या है, इक्वल है। तो हम इसको इक्वल लेट कर लेते हैं कि लेट दिस एंगल इज एक्स, तो डी एंगल भी क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री विच आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेट मेजर ऑफ अदर टू इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। तो जो एंगल सी और एंगल डी है उसे हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स डिग्री के इक्वल। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए हमारे पास 75 डिग्री गिवन है, एंगल बी की मेजरमेंट है 125 डिग्री, एंगल सी एंड डी बोथ आर एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा इनका सम 360। तो अब 75 प्लस 125 किसके इक्वल होगा, 200 डिग्री, प्लस एक्स, और एक्स को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2x की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 को, फिर 2x किसके इक्वल होगा 160 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 अपॉन 2 कैंसिल होगी, क्या आएगा 80। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 80। अब हम क्या लिखेंगे, दस मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब एंगल सी और एंगल डी बोथ आर 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसकी क्या स्टेटमेंट है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल बी सी एंड डी, ये तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, सेम है, तो फाइंड द एंगल ऑफ बी सी एंड डी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल बी सी डी तीनों ही सेम है, इक्वल है, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट एंगल बी सी एंड डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो बाई बिल्कुल सिंपल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 150, बी इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू एक्स एंड डी इज इक्वल टू एक्स, इन चारों का सम होगा 360। अब 150 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 3x की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, 360 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x किसके इक्वल होगा 210 डिग्री के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 अपॉन 3 इज इक्वल टू 70, तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। अब हम क्या लिखेंगे, 10 मेजर ऑफ एंगल बी सी एंड डी इज इक्वल टू, देखो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो क्या होगी 70 डिग्री ईच हो जाएगी। तो इसलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की क्या स्टेटमेंट गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो देखो ये एंगल ए ओ बी, ये जो अंदर वाला स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। इसके अंदर एक पॉइंट गिवन है पी, और एंगल ए ओ बी जो है, एंगल देखो ए ओ बी, इसकी मेजरमेंट जो है वो 40 डिग्री गिवन है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है, ये जो सिंबल है ये वाला, ये इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर को, मींस ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है पी एम किसके ऊपर, ओ ए पर। तो देखो ये पी एम है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है परपेंडिकुलर का, ये मतलब होता है, एंड पी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो ये जो पी एन है ये इसके ऊपर ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है और इधर ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री एंगल शो करना जरूरी नहीं होता, यदि ये वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है 90 डिग्री एंगल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एम पी एन, देखो एम पी एन मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है, इसकी क्या मेजरमेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, therefore angle PMO is equal to 90 degree and PN is perpendicular to OB, then angle PNO is equal to 90 degree. Let angle MPN is equal to X degree इन क्वाड्रिलेटरल, ये शॉर्ट फॉर्म ले देते हैं क्वाड्रिलेटरल ओ एम पी एन, ओ एम पी एन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ओ एम पी एन, एंगल आप कैसे भी लिख सकते हो इसको एम ओ एन
प्लस एंगल पी एम ओ प्लस एंगल पी एन ओ प्लस एंगल एम पी एन, इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। तो एंगल एम ओ एन है 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एम पी एन, इन चारों का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री प्लस एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एम पी एन इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो एंगल एम पी एन इज इक्वल टू, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। तो इस तरह से जो मेजरमेंट होगी फोर्थ एंगल एम पी एन की वो हो जाएगी 140 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल फोर एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके यदि चारों एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो तो आपको ये बताने कि वो मेजरमेंट क्या है। वैसे सिंपल है, सबको पता है 90 डिग्री है, बट उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे जब यदि एग्जाम में आता है ये थ्योरेटिकल लिखना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे, लेट मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स डिग्री। तो हम एंगल ए बी सी और डी चारों को एक्स डिग्री के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो जाएगा 4x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 360 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 90, तो x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं दस मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ऐसे भी शो कर सकते हो एंगल ए बी सी और डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्या स्टेटमेंट है, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 55 डिग्री ईच, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में टू एंगल्स सेम मेजरमेंट के हैं 55 डिग्री, द थर्ड एंगल इज 140 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर आप फिगर वैसे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये जो फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, ये सभी रफ फिगर हैं। अब लेट कर लेते हैं हम, एंगल ए और बी दोनों सेम है, ये 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, और थर्ड एंगल को हम 140 डिग्री लेट करते हैं, और फोर्थ एंगल को हम मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है, जिसे हम लेट कर लेंगे एंगल डी को एक्स के इक्वल। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये समझ में। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों को हमने इक्वल लेट किया है 55 डिग्री के इक्वल, एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। लेट कर लेते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 55 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो भी 140 डिग्री के इक्वल है, और एंगल डी को हमने लेट किया है एक्स के। तो इन चारों का सम क्या होगा, 360। अब 55 प्लस 55 110, 110 के अंदर 40 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 140 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 250 डिग्री को, तो x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। तो 10 मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, जो फोर्थ एंगल है d, उसको हमने क्या लेट किया था x, और x की वैल्यू क्या आई है 110। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ।
तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो 3:5:7:9। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके फोर इंटीरियर एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 3, 5, 7 और 9, पर अब हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसके अंदर अब हम मेजरमेंट लेट कर लेते हैं, लेट मेजर्स ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 3x 5x डिग्री लगा दो इसके साथ 7x डिग्री एंड 9x डिग्री। जब भी आपको रेशियो गिवन हो तो उसके साथ आप x की मल्टीप्लाई कर दो, सबके साथ सेम मल्टीप्लाई करनी है x की। तो ये अब हमारे पास मेजरमेंट आ गई है 3x डिग्री 5x डिग्री 7x डिग्री एंड 9x डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फोर एंगल्स की मेजरमेंट का सम हमें पता है 360 होता है, तो वहाँ से उस इक्वेशन में इसको रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर x की मल्टीप्लाई इनके साथ इंडिविजुअली करके इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ए इज 3x प्लस एंगल बी इज 5x डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 7x डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 9x डिग्री। इन चारों का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 360/24, इसको आप कट कर सकते हो, या तो इसको 2 पे कट कर सकते हो, या डायरेक्ट यदि आपको टेबल याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो ये 180/12, फिर इसको 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 90/6, फिर इसको कट करेंगे तो ये 15 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई है, वो 15 डिग्री। तो इस तरह से अब हम इसके जो एंगल्स हैं उसकी मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो देखो, मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल जो था हमारा वो था 3x डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 3 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से एंगल जो है वो मेजर ऑफ सेकंड एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, 5x डिग्री के, तो 5 × 15 = 75 डिग्री। इसी तरह से मेजर ऑफ थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है वो है 7x डिग्री, तो 7 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। इसी तरह से लास्ट जो होगा हमारा मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, तो फोर्थ एंगल के अंदर हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो x की वैल्यू 15 है और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 135। तो फर्स्ट एंगल इज़ 45 डिग्री, सेकंड एंगल इज़ 75 डिग्री, थर्ड एंगल इज़ 105 डिग्री एंड लास्ट 135 डिग्री। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इसको अच्छे से समझना भी, अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।